दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जे एन मानशु में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो विंडो में या डोर में जो भी SS का पाइप है, उसमें जब सीमेंट का जो दाग लग जाता है, उसको कैसे हटाना है। सिंपल सा तरीका, मैं बिल्कुल ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने SS के सिरे बिल्कुल साफ़ कर दिए, एकदम चमक रहे हैं। अब इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा। मैं अभी एक जो बिल्कुल ही गंदी विंडो है, उसमें जो गंदे पाइप लगे हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें कैसे सरिये के जो है ना, सरिये में ये सीमेंट के दाग लग गए हैं। ये इसको कैसे साफ़ करना है, इसका सिंपल और बिल्कुल सिंपल आसान तरीका आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको ऐसे डिटर्जेंट ले लेना है, कोई सा भी डिटर्जेंट बढ़िया वाला हो, और उसको घोल लेना है। और उसमें ये अपना जो भी कपड़ा ले लो, या कैरी बैग टाइप का जो पड़ा रहता है, डिस्पोजल टाइप का, वो लेके उसमें बिल्कुल डीप कर देना है। और एक आपने ये जूट वाली रस्सी ले लेनी है, और एक ये ड्राई कपड़ा कोई सा भी ले लेना है। तो आपको करना क्या है कि ये इसको उठा के ऐसे पहले इसको जो है ना, एकदम से पाइप को एकदम गीला कर लेना है। इसको 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, डिटर्जेंट से पूरा ऐसे ऐसे पाइप आपने कर देना है। ये ऐसे करने के बाद 2 मिनट या 1 मिनट आप इसको छोड़ दें। इससे क्या होगा कि इससे जो डस्ट दाग होंगे वो निकल जाएंगे, और जो भी दाग नहीं निकलेंगे, उसको आपको करना क्या है कि ये जो जूट की रस्सी है, वो ऐसे ये लेके ना, इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल साफ़ कर लेना है। ऐसे इससे एकदम साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीका है ये दाग छुड़ाने का। ये देखिए, अब इसको आपने क्या किया, एक बार फिर आपने इसको क्लीन कर दिया, ये आपने इसको साफ़ कर दिया। ये देखिए, अब इसके बाद आपने करना क्या है कि ड्राई कपड़ा लेके इसको ऐसे साफ़ कर देना है, बिल्कुल ऐसे बढ़िया से एकदम साफ़ कर देना है। ये देखिए दोस्तों, एकदम सरिया एकदम शाइनिंग माने लग गया है। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसको फॉरवर्ड करें किसी को भी बताने के लिए, ताकि किसी को भी हेल्प मिल सके। कोई भी जैसा किसी का काम लगा हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह, उनको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, एकदम जो है पाइप इसका एकदम शाइनिंग शाइन आ गई इसमें, जैसे पहले नया पाइप था वैसे ही। थैंक यू दोस्तों।